कहते हैं कि विकसित राष्ट्र की पहचान वहां की सड़कें होती हैं, अच्छी सड़कें मतलब समृद्ध देश। लेकिन सड़कों को लेकर इन दिनों कुछ डिजाइनर पत्रकार भ्रम फैलाने में जुटे हैं। उनके टारगेट पर है टोल टैक्स। ये बुद्धिजीवी टोल टैक्स को जनता की मजबूरी बताते हैं, लेकिन टोल टैक्स मजबूरी नहीं, जरूरी है। और टोल टैक्स क्यों जरूरी है, इस पर जी न्यूज एक खास मुहिम चला रहा है। किसी खास सड़क पर चलने वाले यात्री को अच्छी सड़क उपलब्ध करवाने के लिए वसूला गया कर टोल टैक्स। हमें बेहतर और गड्ढा मुक्त सड़कें तो चाहिए, लेकिन जेब से टोल टैक्स देना किसी को पसंद नहीं। आप सोचेंगे अगर टोल टैक्स यकायक एक दिन खत्म हो गया तो क्या होगा, जरा वो सोच कर आप देखिए। एक क्रिएटिव दिखा रहे हैं आप, पहला सीन दिखाते हैं आपको। ये टोल टैक्स वाले हाईवेज का है, इस पर आप फर्राटे के साथ चलते हैं, अच्छी और गड्ढा मुक्त सड़कें देखते हैं, खुश हो जाते हैं, समय बचता है, फ्यूल की बचत होती है और आप आराम के साथ निकल जाते हैं। अब जरा यही सोचें कि टोल टैक्स को हटा दिया जाता है, अब क्या होगा, सड़क का रखरखाव नहीं होगा, सड़क पर गड्ढे बढ़ जाएंगे, गड्ढा युक्त सड़क बन जाएगी, गड्ढों की वजह से वाहन की रफ्तार पर ब्रेक लगेगा, ईंधन ज्यादा खर्च होगा। यह जरूर है कि टोल टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा पैसा आपके फ्यूल में और गाड़ी के मेंटेनेंस में खर्च होगा, समय की बर्बादी होगी, सो अलग हो। तो जो बुद्धिजीवी टोल टैक्स को गुलामी का प्रतीक कहते हैं, ये वही लोग हैं जो कुछ मिनटों में मंजिल तक पहुंचने का दम भरते हैं। क्या मंजिल तक कम समय में पहुंचने का उनका आत्मविश्वास टोल रोड की वजह से नहीं है? सच्चाई ये कि आम जनता अपने क्षेत्र में टोल रोड जैसी सुविधाजनक सड़कें चाहती है। अच्छी सड़कों की जरूरत, उन लोगों से पूछिए जो आज पता कर रहे हैं कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। हम फिर भी मान के चलते हैं कि अचानक एक दिन फैसला हुआ कि देश के सारे टोल बंद कर दिए जाएं, तब क्या होगा, ये जानना चाहिए आप। अगर टोल बंद होते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था को करीब 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिवालिया हो जाएगी, क्योंकि उसने हाईवे बनाने के लिए करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया। NHAI दिवाला हुआ तो नई हाईवे बनने बंद हो जाएंगे, पुराने हाईवे का रखरखाव बंद हो जाएगा, सड़कों का रखरखाव बंद हुआ तो समय और ईंधन की बर्बादी शुरू हो जाएगी। हाईवे पर मिलने वाली सुविधाएं, तकनीकी मदद, वॉशरूम वगैरह बंद हो जाएंगे। सड़कें खराब होने से आयात निर्यात का खर्च बढ़ जाएगा, जिससे चीजों की महंगाई बढ़ेगी। टोल रोड के होने से सबसे ज्यादा बचत समय की होती है। टोल टैक्स लगता जरूर है, लेकिन समय काफी बचता है। वैसे तो दूरी को मीटर या किलोमीटर से मापा जाता है, लेकिन आजकल मिनट दूरी को मिनट और घंटों से नापा जाने लगा है। ये टोल रोड की वजह से मुमकिन हो पाया कि आप कई 100 किलोमीटर की दूरी को किलोमीटर से नहीं बल्कि घंटों से नापते हैं। दिल्ली से मेरठ जाने के लिए पहले 3 घंटे लगते थे, लेकिन DME यानी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ये 30 से 45 मिनट का वक्त लगता है। दूरी लगभग उतनी है, लेकिन समय बच गया। दिल्ली से लखनऊ 500 से 550 किलोमीटर है, इसे तय करने में पहले 10 से 12 घंटे लगते थे, लेकिन टोल रोड की वजह से अब केवल 6 से 7 घंटे में आप दिल्ली से लखनऊ पहुंच सकते हैं। टोल रोड की वजह से मुमकिन हो पाया कि अब आप दूरी को मीटर या किलोमीटर नहीं बल्कि समय से मापने लगे। यही वजह है कि समय कम लगता है। टोल कॉस्ट में लेकिन फ्यूल बच रहा है, जाम से निस्कारा मिल रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, बहुत अच्छा टाइम। मतलब जहाँ 3 घंटे 2 घंटे लगते थे, वहाँ पे अब आधा घंटा 1.5 घंटा 30 मिनट में हम गाजियाबाद पहुँचाते हैं। टोल तो कोई बात नहीं, मगर ये समय का ज़्यादा हुआ है कि जो को दिल्ली पहुँचना है तो कैसा पहुँचेगा। मतलब समय बच जाता है, पैसा नहीं। जी जी, समय तो बचाता ही है, लेकिन टोल तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता ही है। टोल तो महंगा पड़ता ही है, हाँ भारी पड़ता है। अगर थोड़ा सा और इसमें कम हो जाए, जैसे कि इसी हाईवे पर आगे जाके आगरा वाले हाईवे हैं, बड़े हाईवे हैं, इसकी जैसे ही हैं, उन पर टोल कम लगता है, तो टोल भी अच्छे हैं और रोडवे भी टाइम भी बचा रहा है, लेकिन टोल भी कम लग रहा है, इस पर ज़्यादा लगता है, बस ये है। इसमें एक सेफ्टी भी है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो उसमें टाइमिंग से घर पर भी आ रहे हो, और उसके लिए कॉस्ट थोड़ी है, मानना पड़ेगा एक्सपेंस है, मगर ये है कि उसमें बेनिफिट भी है, हमें हमारे टाइमिंग भी कम हो रही है उससे। तो टोल टैक्स का पैसा हाईवे बनाने और क्वालिटी मेंटेन करने वाली कंपनी और NHAI के पास जाता है। सवाल है कि टोल टैक्स का पैसा कहां खर्च होता है, तो जरा जानिए।
टोल टैक्स वो पैसा है जिसकी वजह से आपको साल के 365 दिन गड्ढा मुक्त सड़कों का मजा मिलता है। इसी पैसे का इस्तेमाल हाईवे के रखरखाव में किया जाता है। टोल रोड के साफ सुथरे साइन बोर्ड, सीसीटीवी और सोलर पैनल वाली लाइट्स भी इसी की देन है। सड़क के बीच कोई जानवर ना आए इसके लिए बैरिकेटिंग भी इसी की देन है। टोल रोड पर पेट्रोलिंग और मैकेनिक की सुविधा भी इसी टैक्स के पैसे से मिलती है। टोल टैक्स का पैसा आपको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए खर्च होता है। ऐसा कई बार महसूस होता है कि टोल टैक्स ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस हाईवे पर टोल टैक्स होता है वहां मिलने वाली सुविधाओं के हिसाब से टोल के रेट तय किए जाते हैं। हमने टोल टैक्स पर एक्सपर्ट से भी बात की, सुनिए। पहले तो वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सरकार एक रूटीन एक्सपेंडिचर के तहत हम लोगों तक पहुंचाती है। फिर दूसरे बड़े बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें इकोनॉमी और लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज अवेल होती हैं, पर इनके साइज की वजह से गवर्नमेंट इनके फंड्स पूरी तरह से सिर्फ रेवेन्यू रिसीप्ट से नहीं सर्विस कर पाती, तो उसको टोल कलेक्ट करना पड़ता है। और इससे देखिए, टोल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि टोल वही लोग भरते हैं जो उस फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं। बाकी जो कॉमन यूज़र फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों, चाहे अलग तरह के टैक्सेशन हो, वो डायरेक्ट फैसिलिटी बेनिफिट आपको चाहे मिल रही हो या ना मिल रही हो, आपको वो टैक्स भरना पड़ता है। तो टोल टैक्स के बंद होने से सड़क का खर्च सरकार को अपने बजट से देना होगा। बजट का ये खर्च आपके लिए आपके दिए हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से जाएगा। मुमकिन है कि टैक्स बढ़ा दिए जाए। वैसे एक बात सोचने वाली है कि देश के किसी एक राज्य के हाईवे के रखरखाव का खर्च दूसरे राज्य के लोग क्यों उठाएं? क्या ये खर्च उस हाईवे का इस्तेमाल करने वाले राहगीरों को नहीं उठाना चाहिए? हम टोल टैक्स पर अपनी मुहिम जारी रखेंगे और कल हम टोल टैक्स से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर के आएंगे जिससे आपको टोल टैक्स मजबूरी नहीं बल्कि जरूरी लगेगा।